भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और दादा के नाम से विख्यात सौरभ गांगुली ने कहा है कि इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट की आगामी सीरीज में भारत की उम्मीदों का पूरा दारोमदार बल्लेबाजों पर होगा। जी हां, आपको बता दें कि वनडे सीरीज में मिली हार के बाद गांगुली का एक बयान आया है। गांगुली ने कहा कि टेस्ट क्रिकेट में कंपटीशन बनाने के लिए एक पारी में कम से कम 400 रन बनाने जरूरी होंगे। पहली पारी में 400 रन बनाने पर वे जीत जाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत के पास मौका है, भारतीय टीम अच्छी है और अच्छी बल्लेबाजी करने पर जरूर ही जीतेगी। उन्होंने धोनी को लेकर कहा कि वो इस समय जरूर खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि वह फिर रन बनाएंगे। बता दें, भारत के इंग्लैंड दौरे पर टेस्ट सीरीज 10 दिन बाद शुरू होने जा रही है। T20 सीरीज और वनडे सीरीज खत्म हो चुकी है, जिसमें भारत ने T20 में जीत हासिल की, तो वहीं इंग्लैंड ने भारत को 2-1 से हराकर वापसी की थी वनडे में। टीम इंडिया के पूर्व और सबसे सफल कप्तान रहे सौरभ गांगुली ने अपने पिछले बयान से पलटते हुए कहा कि KL राहुल को अब चौथे नंबर पर ही बल्लेबाजी करनी चाहिए। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क की रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस।